प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 6 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जाटी भाषा में विलाप, हिंदी। मेरी सयल रे साह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। हे मेरी सखी प्रियतम धनी मेरे घर आए थे, मैं उनकी पहचान न कर सकी, वे मुझे बार बार पुकारते हुए चले गए। पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परी सुध, बचन कहे जो है तके, भांत भांत कई विध। प्रियतम धनी आए किंतु मैंने उन्हें पहचाना नहीं, मुझे इसकी कुछ भी सुधि नहीं हुई, उन्होंने बड़े प्यार से भांति भांति के वचन कहे किंतु मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ए तुम देखो रे सई, दिन दोपहरे जागते, मोहे काली रेन भई। हे सखियो जरा देखो तो, यह नींद ऐसी झूठी अपंग और नशीली हो गई कि जिससे जागते हुए दिन का मध्याह्न भी मेरे लिए काली रात के समान हो गया। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन, कान आँखा फूटिया और फूटे हृदय के नैन। सतगुरु धनी मेरे घर आए किंतु मैंने उन्हें नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे जगाने के लिए अनेक प्रकार के वचन भी कहे परंतु मेरे कान और आँखें फूट गई थी। इतना ही नहीं, हृदय के विवेक रूपी नेत्र भी फूट गए। सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी विध की न, बस्त गई जब हाथ ते, अब रोवना रात दिन। मेरे प्रियतम धनी चले गए, अब मैं उनके बिना किस प्रकार रह पाऊंगी। हाथ में आई हुई वस्तु के चले जाने पर अब तो दिन रात रोना ही शेष रह गया। मैं तो तब ना उठ सकी, पियू चले बखत जीन, क्यों खो धनी अपना, जो तब ही पकड़ो चरण। सतगुरु धनी के जाते समय में उठकर खड़ी भी नहीं हो पाई, यदि मैं उसी समय उनके चरण पकड़ लेती तो अपने स्वामी को क्यों खो देती। जो मैं तब ही जागती, तो क्यों जावे मेरा पियू, क्यों छोड़ो खसम को, संग पियू के मेरा जीऊ। यदि उस समय भी मैं इस मायावी नींद से जाग जाती तो मेरे प्रियतम धनी क्यों चले जाते, मैं ऐसे धनी को कैसे छोड़ देती जिनके साथ मेरे प्राण जुड़े हुए हैं। अब तरफ दसो दिस देखिए, तो गहरे मोह के जल, मेर जैसी लहरो मीने, माहे मच्छ गला गल। अब दसो दिशाओं में दृष्टि डालने पर भी गहरा मोह सागर ही दिखाई देता है। भवसागर में पर्वत के समान ऊंची लहरें उठती हैं और भयंकर जल के जीव एक दूसरे को निगलते हुए दिखाई देते हैं। जल माहे भमरिया,
कई विध तीखे तान, कहूँ सुख नहीं सायत का ए दुख रूपी निदान। इस मोह जल के अंदर अनेक प्रकार के भंवर हैं और तीव्र प्रवाह जीव को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस संसार में पल भर भी सुख चैन नहीं है, निश्चय ही यह दुख से भरा हुआ है। एक घोर अंधेरी आँखा नहीं और ठोर नहीं बुध मन, विषम जल ऐसे मीने पीयू आए मुझ कारण। एक ओर यहाँ अज्ञान रूपी घोर अंधकार छाया हुआ है, दूसरी ओर ज्ञान रूपी आंखें भी नहिवत है। बुद्धि और मन को केंद्रित करने का स्थिर स्थान भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे विषम मोह जल में धाम धनी मेरे लिए सदगुरु बनकर आए हैं। माहे भभु के आग के खाना अमल जेहर अति जोर, पीयु पुकारे कई विध में उठी ना अंग मरोर। इस भूमि में विषय वासनाओं के सोले जलते हैं, यहाँ का खान पान भी नशीला और विषैला है। ऐसे विकट संसार में सतगुरु ने मुझे अनेक प्रकार से पुकारा, परंतु मैं अपने अंगों को मोड़कर उठ नहीं सकी। पीयु मेरा मुझ वास्ते आए ऐसे में आप, कई विध जगाई मोहे मैं कर ना सकी मिलाप। मेरे धनी मेरे लिए ही ऐसी विषम परिस्थिति में इस जगत में प्रकट हुए, उन्होंने मुझे अनेक प्रकार से जगाया, परंतु मैं उनका साथ न दे सकी। अब कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ, टूट गई मेरी आश, कहाँ वतन कौन बतावे पीयू ना देखो पास। अब मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ, मेरी तो आशा ही टूट गई। मेरा मूल घर परम धाम कहाँ पर है और इसे कौन बताएगा। धाम धनी तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रकरण 7 चौपाई 182। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 7 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।